Hello guys, how are you? Hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Modern Trading. Guys, you know, कल हमने बात की थी एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो कि हमें ट्रेंड को इजिली कंसीडर करता है कि हमारा ट्रेंड किस डायरेक्शन में जाने वाला है, हमारा मार्केट किस डायरेक्शन में फ्लो करने वाला है, हमारा ट्रेंड कब कब चेंज होने वाला है, ओके, नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनने वाली है, हमें ट्रेड कब करना है, कब हमें वेट करना है. मैं बात कर रही हूँ सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में. सुपर ट्रेंड जो कि हमें इजिली कंसीडर करता है कि ट्रेंड हमारा कब कब चेंज हो रहा है और कब कब हमारा किस डायरेक्शन हो जा रहा है. ओके, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर. ओके, ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे मार्केट चार्ट पर हम इसको अप्लाई करके ट्रेड कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, सारी चीजों को लेकर के हमने बात की थी. एंड गाइस, आज मैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि रियलिटी में ऑसम है. मैं बात कर रही हूँ ऑसम ऑसिलेटर इंडिकेटर की. ऑसम ऑसिलेटर इंडिकेटर जो कि रियलिटी में ऑसम इसलिए है क्योंकि वो इजिली कंसिडर करता है हमारा मार्केट पर हमें ट्रेड कब कब करना है. ओके, इसके अलावा ट्रेंड और इसके अलावा मार्केट का फ्लो, फ्रिक्वेंसी और वॉलिटी, सारी चीज़ों को लेकर के मैं बात करने वाली हूँ. ओके, सो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप ऑसम ऑसिलेटर का यूज़ आप अच्छे से जानने वाले हैं कि किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, मार्केट पर किस तरह से इसको अप्लाई करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं. ओके, सो गाइस, वीडियो शुरू करूँ ऑसम ऑसिलेटर के बारे में आप सभी को बताऊँ, उससे पहले आप सभी से कहना चाहती हूँ, अगर आप सभी ने अभी तक क्यूरेक्स पर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए, क्यूरेक्स पर अकाउंट बनाइए. ओके, इसके अलावा आप मॉडर्न ट्रेडिंग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए. आप सभी को डेली 100% एक्यूरेसी वाले शो शॉर्ट्स सिग्नल प्रोवाइड कराए जाते हैं जिनको आप फॉलो करके अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. क्यूरेक्स पर अकाउंट क्रिएट करके आप द रिलायबल VIP ग्रुप में भी एंट्री ले सकते हैं. ओके, जिसमें अलग से आपको कुछ स्पेशल ट्रेड्स प्रोवाइड कराई जाती हैं जिनको फॉलो करके आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, लॉस हुआ पड़ा है तो लॉस भी कवर अप कर सकते हैं. ओके, सो गाइज, ऑसम ऑसिलेटर के बारे में आइए जानते हैं ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस तरह से इसको मार्केट चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं. सो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ. हे गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर क्यूटेक्स के लाइव अकाउंट में, जिसमें आप सभी को अबव 2,408.27 डॉलर का लाइव बैलेंस शो हो रहा होगा, आप सब देख पा रहे हैं. एंड गाइस, आज जो 10 अक्टूबर यानी 10th अक्टूबर मैंने जितना प्रॉफिट अर्न किया है मैं आपको लीडर बोर्ड दिखा देती हूँ. देन मैंने ये कुछ ये रहा 2,530 डॉलर का मैंने कुछ प्रॉफिट आज का अर्न किया है. ओके, सो गाइस, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, क्योंकि इससे पहले आप सभी को मैं बता चुकी हूँ बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में जिसमें सुपर ट्रेंड और कई सारे ऐसे इंडिकेटर्स मैंने बताए हुए हैं. आप प्रीवियस वीडियो में चैनल पर जाके और डिस्क्रिप्शन में आगे जाके देख सकते हैं, सभी लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं. लेकिन गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑसम ऑसिलेटर. ओके, जो ये रियलिटी में ऑसम है गाइज. सो गाइज, ये कुछ ट्रेडिंग हिस्ट्री रही है. ओके, सो हम यहाँ पर फर्स्टली अप्लाई कर लेते हैं ऑसम ऑसिलेटर अपना. ओके, सो यहाँ पर जाकर के हमने कुछ ऑसम ऑसिलेटर यहाँ पर अप्लाई कर लिया है. यहाँ पर कर लेना है 36. ओके, यहाँ पर 7, देन गाइज यहाँ पर 98. ओके, देन हमने कुछ इस तरह से एक इंडिकेटर अप्लाई कर लिया है. तो ये रहा हमारा कुछ ऑसम ऑसिलेटर. ओके, सो आपको इसको देख करके ही कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी गाइज. देखिए, मैं आपको समझाती हूँ. देखिए, ये जो हमारी रेड लाइन्स रही हैं ये हमें इंडिकेट करती है डाउनवर्ड के लिए. फर्स्ट चीज़ आप फर्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये जो रेड लाइंस ये हमें इंडिकेट करती हैं हमारे डाउन ट्रेंड को. ग्रीन जो लाइंस दी हुई हैं ये हमें इंडिकेट करते हैं अपआउट ट्रेंड को. ओके, जैसे हमारा मार्केट अपआउट की ओर धीरे धीरे फ्लो करना शुरू करता है, देन आप देख रहे हैं कि वैसे ही हमारा ट्रेंड चेंज होके ऊपर हो जाता है. एंड गाइज, इसमें ऑसम ऑसिलेटर में अच्छी चीज़ ये होती है कि ये हमें ये जितनी लंबी लाइन बनेगी यहाँ पर हमें उतना ही ये है कि यहाँ से कंफर्मेशन मिलता रहेगा कि यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है, मतलब डेफिनेटली हमारा अपआउट की ओर जाएगा. जितनी लाइन छोटी होती जाएगी वहीं रिस्क बढ़ता जाएगा ये कि यहाँ पर ट्रेंड हमारा चेंज होने वाला है और कभी भी चेंज हो सकता है. हो सकता है कि इस कैंडल से ट्रेंड चेंज हो जाए, हो सकता है इस कैंडल से ट्रेंड चेंज हो जाए, हो सकता है कि इतना छोटी सी कैंडल जो आपको दिख रही हूँ, ये जो आपको दिख रही हूँ, ये कैंडल यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाए. तो यहाँ से फिलहाल यहाँ पर छोटी कैंडल बनके कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है, एंड अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है. देन यहाँ से डाउन ट्रेंड बढ़ते हुए हमें रेड कैंडल सी एंड शो कर रही है कि हमारा ट्रेंड अभी डाउन चल रहा है. ओके,
देन गाइस अभी कुछ ये इस तरह से मूवमेंट करते हुए कुछ ऐसे ये नीचे से कुछ ऐसे ये शेप देगा, ओके कर्व बनाएगा। सो ये हमारा अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है और अभी कुछ देर के लिए मार्केट हमारा साइड वे चल रहा है। अभी देख रहे हैं ये हमारा मार्केट साइड वे चल रहा है जिसमें ये ग्रीन कैंडल बीच में बनी थी, ओके। सो गाइस देखिए जैसे ही मार्केट में आप और इसको छोटा कर लेती हूँ थोड़ा सा, ओके तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर अपॉर्ट के लिए फ्लो किया एग्जैक्टली वैसे ही ग्रीन लाइन्स यहाँ पर अपॉर्ट के लिए चली गई, ओके ग्रीन लाइन बनना कंटिन्यू शुरू हुई एंड एक प्रॉपर वे में हमें ग्रीन लाइन बनती हुई यहाँ पर शो हो रही है, ओके जैन जैसे ही यहाँ पॉइंट से इसने डाउनवर्ड की ओर ट्रेंड चेंज हुआ है, मूवमेंट रिटर्न लिया है, देन गाइज यहाँ से तुरंत ही ये ट्रेंड चेंज होके डाउनवर्ड की ओर मार्केट ने फ्लो ले लिया एंड यहाँ से हमें कंटिन्यू रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दी, ओके ग्रीन कैंडल के बाद रेड बन रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रेंड चेंज शुरू हो गया है। इसके बाद कंटिन्यू में कुछ टाइम के लिए यहाँ पर जब तक कि कैंडल छोटी नहीं हो जाती हमें यहाँ पर डाउन ट्रेंड शो होगा, ओके सो गाइज अगेन यहाँ पर जो है ये शो हो रहा है, अगेन यहाँ पर हमें रेड कैंडल बनती हुई नजर आई है, देन अगेन यहाँ पे अपोर ट्रेंड देखने को मिला है, देन अगेन डाउनवर्ड दिखा है, देन ये जो शेप आपको देखने को मिल रही है ये हमें इंडिकेट कर रही है कि हमारा मार्केट जो है अब डाउनवर्ड की ओर फ्लो लेने वाला है, ओके और ये आप देख रहे हैं और अभी जो फ्लो ले रहा है वो डाउनवर्ड की ओर ले रहा है लेकिन साइडवेज मार्केट बनाते हुए, ओके साइडवेज कैंडल्स चल रही हैं जिसमें अभी कुछ आपको रेड ग्रीन कंटिन्यू देखने को मिलेगा और ये ट्रेड हमें ट्रेडिंग करने के लिए रिस्की रहता है। ऐसे मार्केट पर हम गाइज लॉस करते हैं, ओके हमें मैक्सिमम लॉस देखने को मिलता है ऐसे मार्केट पर। सो गाइज ये मार्केट बहुत रिस्की होता है। ऑसम ऑसिलेटर हमें ये इंडिकेट कर देता है कि ये मार्केट हमारा अभी इस टाइम पर ऐसा चल रहा है, मतलब हमें कुछ देर के लिए वेट कर लेना है जब तक ये मार्केट हमारा स्लाइड नहीं चलने लगता, हमें थोड़ा सा वेट करना है। ऐसा मार्केट फ्लक्चुएट गाइज बोला जाता है, ओके फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो सकती है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो सकते हैं, ओके सो जैसे ये मार्केट आपका सेपरेट मार्केट होता है आप देख सकते हैं ये मार्केट अच्छा माना जाता है, ओके यहाँ पर फ्रिक्वेंसी अच्छी मिलेगी आपको, मार्केट का फ्लो अच्छा मिलेगा, ओके देन एक प्रॉपर वे में आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। ग्रीन है तो फिर मतलब कंटिन्यू कुछ टाइम के लिए ग्रीन, रेड है मतलब कुछ कंटिन्यू टाइम के लिए रेड मिलेगा आपको देखने के लिए, ओके देन गाइज यहाँ पर आपको कुछ टाइम के लिए देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको रेड ग्रीन देखने को मिल रहा है, मतलब ये हम इंडिकेट कर रहा है कि ये मार्केट हमारा रिस्की है। अभी हमें इस ट्रेड पर इस चार्ट पर इस टाइम पर ट्रेड हमें नहीं करनी चाहिए, ओके सो कुछ टाइम के लिए वेट करना है, ओके सो गाइज ये मार्केट हमें कुछ ऐसा रिस्की रहता है। सो होप्स आप सभी को ऑसम ऑसिलेटर अच्छे समझ में आ गया होगा, बाकी सारी चीज़ें हमें देखने से ही समझ में आ जाती हैं गाइज, है ना। यहाँ पर मार्केट ने कुछ ट्रेंड के फ्लो को तोड़ा है, देन यहाँ पर हमें जैसी अभी इस टाइम पर मार्केट है वैसे ही कुछ रेड ग्रीन हमें कैंडल्स यहाँ देखने को मिल रही हैं, ओके यहाँ पर ये हमारा जो है स्लो फ्रीक्वेंसी का है, देन यहाँ पर हमें ईजिली कंसीडर कर रहा है अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड को कोई डाउन ट्रेंड को। सो आप देख रहे हैं कि अभी कुछ हमें ऐसा मार्केट देखने को मिल रहा है। सो अभी हमें ऑसम ऑसिलेटर चूँकि डाउनवर्ड के नीचे की ओर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, डाउन ट्रेंड है, सो हम यहाँ पर ट्रेड प्रेस करेंगे और चूँकि हमें जिगजैग भी इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड की ओर, सो हम $50 की ट्रेड यहाँ पर 15 सेकंड्स के बाद हम ट्रेड प्रेस करेंगे, ओके गाइज सो वेट करेंगे। ऑसम ऑसिलेटर को इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि मार्केट हमें क्लियरली दिख सके, ओके सो हम वेट करेंगे। देन गाइज हमने यहाँ पर दो ट्रेड प्रेस किए हैं $50 की, ओके सो वेट करेंगे कि हमें देखना है कि इस ट्रेड का रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, ओके फिलहाल तो मार्केट आप देख ही रहे हैं कि मैंने बताया कि ऐसा मार्केट हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि मार्केट हमारा अभी यहाँ पर है तो अगले सेकंड यहीं पर रहेगा, नहीं यहाँ पर भी आ सकता है, ओके किसी भी टाइम पर मार्केट किधर भी जा सकता है एकदम से, यू नो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। सो अभी जैसी फ्रीक्वेंसी है आप देख ही रहे हैं यहाँ पर शेडोज बहुत ज़्यादा बन रही हैं, मतलब मार्केट एक्स्ट्रा वोलेटाइल है, ओके सो हमने यहाँ पर इसीलिए मैंने लो अमाउंट यहाँ प्रेस किया था $50 की, ओनली 2 ट्रेड्स लगाई थी, ओके शॉर्ट अमाउंट मैंने इसीलिए यूज़ किया था क्योंकि ये मार्केट रिस्की मार्केट है, ओके सो गाइज हम अब नेक्स्ट ट्रेड प्रेस करेंगे लेकिन अमाउंट थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे क्योंकि हमें अपना $100 का लॉस भी रिकवर करना है, ओके सो मैं ट्रेड यहाँ पर प्रेस करने वाली हूँ। ओके गाइस सो यहाँ पर मैंने $300 इन्वेस्ट किए हुए हैं अपॉर्ट की ओर, देन देखते हैं कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, ओके सो वेट करना है गाइस। इसे कहते हैं गाइज हाई फ्रीक्वेंसी, आप देख ही रहे हैं कि मार्केट कहाँ तक डाउनवर्ड आया था लेकिन अभी कहाँ पर है और किधर जाएगा, ये डेफिनेटली मार्केट अपॉर्ट की ओर जाएगा, इसीलिए मैंने जो है अपॉर्ट की ओर ट्रेड प्रेस की थी यही सोच करके, ओके सो मैंने $300 यहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए हैं और होप्स आप सभी को ऑसम ऑसिलेटर अच्छे से समझ में आ रहा होगा गाइज, ओके
सो ये ट्रेड हमारी विन चल रही है, श्योर शॉट विन है. ओके सो जो हमने पिछली बार $100 लॉस किए थे, हमने यहाँ पर $300 इन्वेस्ट करके प्रॉफिट रिकवर कर लिया है, प्लस डबल प्रॉफिट भी, लॉस रिकवर करके डबल प्रॉफिट भी बुक कर लिया है. $100 लॉस किए थे, देन हमने यहाँ पर लगभग अबव $280, लगभग $280 यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक कर लिया. ओके सो हम यहाँ पर अगेन थोड़ा सा इसको इंक्रीज करेंगे, देन $250 जितना हमने प्रॉफिट बनाया है गाइज, उसी के एवरेज हमें लेकर के चलना है. ओके मनी मैनेजमेंट आपको लेकर के चलना है. ओके सो यहाँ पर गाइज देख रहे हैं कि ये मार्केट हमें कैसा इंडिकेट कर रहा है, ऑसम ऑसिलेटर हमें कैसे बता रहा है कि हमारा मार्केट का किधर फ्लक्चुएशन जा सकता है. ओके सो अभी बता रहा है कि अभी अभी ट्रेड प्रेस करने का राइट टाइम नहीं है. ओके ऐसा मार्केट रिस्की मार्केट बोला जाता है गाइज. ओके सो 30 सेकंड्स हमें वेट करना है, हम नेक्स्ट ट्रेड प्रेस करेंगे. $250 जो कि हमने अब प्रॉफिट अभी तक अर्न किया है, हम उसी से प्रॉफिट बनाएंगे, अपनी कैपिटल मनी से हम लॉस जो है प्रॉफिट अर्न करने का या लॉस उठाने का हम रिस्क नहीं लेंगे. ओके सो जो हमने प्रॉफिट बुक किया है उसी को लेकर के हम यहाँ पर लगभग 10 सेकंड्स के बाद मैं ट्रेड प्रेस करने वाली हूँ. 10 सेकंड्स हमें वेट करना है कैंडल के पूरे बनने तक. ओके सो 653 देन गाइस मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड की ओर मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए हैं $1000. ओके $1000 मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं डाउनवर्ड की ओर. देखते हैं गाइस हमें स्ट्रेट का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है. फिलहाल मैं डाउनवर्ड की ओर प्रेस की है और यहाँ पर कुछ हमें बहुत क्लोज पॉइंट पर कैंडल देखने को मिल रही है, देन अभी बीनिंग में चल रही है. ओके 40 सेकंड्स का अबव हमें वेट करना है. ओके देन 40 अगेन क्लोज पॉइंट पर आ चुकी है, अगेन बहुत ज़्यादा क्लोज पॉइंट है गाइस. देन 30 सेकंड्स हैं, कैंडल बहुत ज़्यादा मूव कर रही है, फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है. ओके देन गाइज ओके 15 सेकंड्स का वेट करना है, कुछ भी नहीं कह सकते मार्केट हमारा किधर जा सकता है क्योंकि फ्रिक्वेंसी आप देख ही रहे हैं. ओके सो 6 5 3 2 वन देन आप देख रहे हैं गाइस कितना 3 2 1 देन ये गाइस हमारी प्रॉफिट हुई है, रिफंड हुई है. देन गाइस आप देख सकते हैं सारी की सारी ट्रेड हमें यहाँ पर रिफंड हुई है. ओके हमारी लॉस भी नहीं है और विन भी नहीं है. ओके सो रिफंड हुई है, आप देख रहे हैं मार्केट ऐसा है. ओके सो रिफंड हुई है मतलब रिस्की मार्केट है, मतलब ये मार्केट हमें ऑसिलेटर देखिए शो कर रहा है, यहाँ पर हमें ये बता रहा है, ये सब इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट देखिए कितना फ्लक्चुएशंस कर रहा है. ओके सो हम यहाँ पर अगेन ट्रेड प्रेस करने वाले हैं, अमाउंट में थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज करूँगी गाइज. ओके सो $500 मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाली हूँ. ओके नेक्स्ट ट्रेड पर 25 सेकंड्स का वेट करेंगे, देन उसके बाद मैं यहाँ पर ट्रेड प्रेस करूँगी. ओके देन 15 सेकंड्स वेट करना है, देन 10 सेकंड्स वेट, देन मैं नेक्स्ट ट्रेड प्रेस करने वाली हूँ. पूरी कैंडल बनने तक हम यहाँ पर वेट करेंगे. ओके सो ऑसम ऑसिलेटर गाइस आप सभी को समझ में आ रहा होगा, अभी हमें इंडिकेट कर रहा है ग्रीन. ओके देन इसी के बेसिस पर मैं यहाँ पर अपवर्ड की ओर ट्रेंड डाल रही हूँ. ओके सो मैंने यहाँ पर 6 ट्रेड मैंने प्रेस की हुई है $500 की. ओके अपॉर्ट के लिए देखते हैं कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है. ओके देन $3000 मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए हैं, $3000 गाइज यू नो $3000 मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं. 30 सेकंड्स का वेट करना है, देन देखते हैं कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है. फिलहाल अभी हमारी विनिंग में चल रही है. ओके फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है, सो कुछ भी नहीं कह सकते कि हमारी इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है. गाइज अभी भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा क्लोज पॉइंट पर है. ओके मैं आप सभी को जूम आउट करके दिखा रही हूँ उसमें, और अभी फिलहाल ट्रेड हमारी फिर अगेन लॉस में जा रही है. सो वेट करेंगे गाइज, देन गाइज मैं यहाँ पर अमाउंट इंक्रीज करके जो मैंने $3000 वो लॉस किए हैं उसको मैं यहाँ पर रिकवर करूँगी, प्लस प्रॉफिट करूँगी. ओके नेक्स्ट ट्रेड पर सो वेट करेंगे गाइज 50 सेकंड्स के बाद हम यहाँ पर ट्रेड प्रेस करेंगे. ओके मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, आप देख ही रहे हैं. ओके देन ये ऑसिलेटर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमें प्रॉपर कुछ इस वे में हमें कैंडल्स देखने को नहीं मिल रही हैं. आप देख रहे हैं ये जैसे ही मैंने आप सभी के लिए वीडियो बनाना शुरू किया गाइज मार्केट फ्लक्चुएट हो गया. आप देख रहे हैं इससे पहले कैसा प्रॉपर वे में हमें यह ऑसिलेटर शो कर रहा है कि मार्केट हमारा कैसा प्रॉपर वे में कंटिन्यू चल रहा था. देन यहाँ पर कुछ यहाँ से अबव 7:30 पर है ना, कुछ 7:20 पर यहाँ मार्केट जो है
थोड़ा सा फ्लक्चुएट करने लगा है. ओके सो वेट करना है हमें 15 सेकंड्स वेट करना है. सो गाइस वेट करेंगे देन $3,000 हमें अपने जो है रिकवर करने हैं. ओके ओके सो मैंने यहाँ पर अपॉर्ट की ओर ट्रेड प्रेस की है. 3,000 लॉस वाले प्लस $1,000 गाइस हमारा प्रॉफिट के लिए सो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है. देखेंगे ओके वेट करेंगे कि हमें स्ट्रेट का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है. अब गाइस रिस्क तो रहता है, ये ट्रेडिंग फील्ड ही ऐसा है, यू नो रिस्क होता है, यहाँ पर रिस्क उठाना पड़ता है. ओके अगेन हमारी ट्रेड जो है विनिंग में चल रही है. 30 सेकंड्स वेट करना है. ओके देन वेट 25 सेकंड्स देन यहाँ पर ट्रेंड देख रहे हैं आप, ये ट्रेंड हमें कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है. यहाँ पर मूवमेंट जैसे चेंज हुआ है कुछ अपॉर्ट के लिए. ओके कंटिन्यू में रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है. देन यहाँ से मार्केट कुछ हमारे यहाँ से अपॉर्ट बनाते हुए, मैं इस जिगजैग की पोजीशन बताऊंगा, यहाँ से कुछ इस वे में यहाँ पर जाएगा मार्केट. ओके ये येलो लाइन है यहाँ पर आएगी कुछ यहाँ पर. ओके सो कुछ इस तरह से मूव करेगी यहाँ से अपॉर्ट कैंडल बनाते हुए. देन गाइज ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है बहुत क्लोज पॉइंट पर. शिट लास्ट के एक सेकेंड पर गाइज लॉस हुई है. ओके सो $7,000 ओके $7,000 गाइज हमारे लॉस में है. सो मैं रिकवर करने वाली हूँ, एक बड़ा रिस्क लेने वाली हूँ. ओके 17,000 यहाँ पर डॉलर बैलेंस है. मैं $7,000 आप सभी के सामने इन्वेस्ट करने वाली हूँ. ओके देन श्योर शॉट. ओके सो वेट करेंगे हम. इसके अलावा हम अगर और किसी करेंसी पर हम बात करें तो गाइज हर करेंसी पर कुछ हमें इसी तरह का मार्केट अभी देखने को मिल रहा है. ओके सो गाइज फिलहाल इस पर प्रॉफिट रेट कम है. ओके गाइज सो गाइज देख रहे हैं कि मार्केट कैसा फ्लक्चुएट कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक अब तक मार्केट कितना जो है फ्लैट चला है, बहुत अच्छा मार्केट चला है. देन यहाँ से कुछ मैंने आपको बताया है कि 7:20 से मतलब 19:22 से कुछ मार्केट जो है ऐसा चल रहा है. देन आप देख ही रहे हैं ये हमें ऑसिलेटर इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी हमारा ठीक नहीं है, इस टाइम पर हमें ट्रेड नहीं करनी है. ओके वकायदे मैं आप सभी को लॉस करके भी दिखा रही हूँ. ओके सो मैं यहाँ पर ट्रेड प्रेस करने वाली हूँ गाइज 1, 2, 3 जाओ. ओके देन मैंने आप पास $7,000 इन्वेस्ट किए हुए हैं गाइज अपॉर्ट के लिए. देखते हैं गाइज हमें स्ट्रेट का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है. ओके सो देन ये इसके विनिंग के साथ जो है हम अपना सारा लॉस रिकवर प्लस प्रॉफिट में आ जाएंगे. ओके गाइज सो वेट करना है एंड आप देख रहे हैं कि कुछ हमें यहाँ पर 30 सेकंड्स का वेट करना है. ओके देन हमारी ये श्योर शॉर्ट विन है. देन मैंने कहा था मैं यहाँ पर श्योर शॉर्ट जो है यहाँ पर ट्रेड प्रेस करूँगी. देन मैंने आप सभी को यहाँ पर $7,000 मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट करके दिखाया हुआ है, यू नो अबव 4,500,000 रुपये. सो ये ट्रेड हमें श्योर शॉर्ट विन है गाइस आप देख सकते हैं. ओके 6, 5, 4, 3, 2, 1 देन गाइज ये कुछ हमारा प्रॉफिट रेट बुक हुआ है. ओके आप देख सकते हैं ये हमारी ट्रेडिंग हिस्ट्री है. तो यू नो आप आज के बाद आप सभी को ऑसिलेटर यूज करना अच्छी समझ में आया होगा गाइज. सो गाइज आप सभी ने देखा कि ऐसे मैंने जो है बड़ा रिस्क लेके हालांकि जो है प्रॉफिट अपना बना लिया है, लॉस भी रिकवर कर लिया है. ओके सो मैंने आप फॉर एग्जाम्पल मैंने आप सभी को एग्जाम्पल देकर के ये समझाना चाहा कि ऑसिलेटर हमें किस तरह से इंडिकेट करता है कि हमें कब गाइस ट्रेड प्रेस नहीं करनी है. ओके सो आपने देखा कि जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ऐसा कुछ हमें इंडिकेट करना शुरू किया कि अभी ये जैसे लाइंस प्रॉपर वे में नहीं बन रही है, मतलब हमें समझ जाना है गाइस कि ये मार्केट अभी रिस्की मार्केट चल रहा है और यहाँ पर हम लॉस कर सकते हैं. ओके अपना कैपिटल खो सकते हैं. ओके सो ऐसे टाइम पर हमें गाइस ट्रेड प्रेस नहीं करनी है. और यहाँ मैंने आप सभी को यहाँ पर लाइव दिखाया है ट्रेड करके कि कितना रिस्की होता है. ओके हालांकि गाइस ट्रेडर जो है वही है कि जो हर मार्केट में ट्रेड कर ले. आप सभी को जो है सामने ट्रेड करके दिखाई है, लॉस किया पर कवर भी कर लिया, प्रॉफिट में भी आ गए हैं हम. ओके सो गाइज अच्छे से आप सभी को आज ये ऑसिलेटर ऑसम इंडिकेटर की वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा ऑसिलेटर यूज़ करना. ओके एंड कैसे ये चीज़ें हमें समझाता है, कैसे हमें आइडिया देता है कि मार्केट पर हमें कब ट्रेड प्रेस करनी है कब नहीं करनी है. ओके सो गाइज आप सभी ने देखा ये ऑसम ऑसिलेटर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हम इसको मार्केट चार्ट्स पर अप्लाई करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि हमारा ट्रेंड किस डायरेक्शन में जाने वाला है. ओके मार्केट की फ्रिक्वेंसी क्या है, वोलेटिलिटी क्या है,
सारी चीज़ों को लेकर के हमने बात की थी, लाइव ट्रेड करके भी दिखाई थी। होप्स आप सभी को आज की ये वीडियो देखने के बाद ऑसम ऑसिलेटर अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसको अप्लाई करेंगे, इससे प्रॉफिट गेन करेंगे, ट्रेड करेंगे। ओके सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ऑसम ऑसिलेटर इंडिकेटर आपको ऑसम लगा है, तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एंड मोस्ट ऑफ थिंग अपना एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके एंड नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं सो कमेंट कीजिएगा। ओके तब तक मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी कंटेंट के साथ। ओके तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।